आज हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो के मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे इसके बारे में कि यानी कि ये इंजन क्या है, इंजन टाइप्स कौन सी हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है आप आज हम इसको देखेंगे। बेसिकली ये क्या है, इंजन कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन। तो इसमें आपके पास पहला इंजन की टाइप थी, सबसे पहले था एक्सटर्नल कंबस्टन। इसमें क्या होता था कि जो कंबस्टन है वो आउट ऑफ द इंजन होती थी आपके पास, यानी कि जो सिलेंडर है उसमें कंबस्चन नहीं थी। इसमें आप रेलवे के पुराने इंजन जो होते थे जिनको आप स्टीम इंजन बोलते हैं उनको आप देख सकते हैं, वो क्या थे, वो एक्सटर्नल कंबस्चन। उसके बाद देन जो है वो इंटरनल कंबस्चन इंजन आया। इंटरनल कंबस्चन इंजन में जो कंबस्चन है वो इनसाइड दी जो सिलेंडर है उसके अंदर ही है, यानी कि इनसाइड द इंजन है, ओपन कंबस्चन। तो इंजन टाइप्स हैं आपके पास 3.1। सबसे पहले तो इंजन में भी डिफाइंड एज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इंटू अ फ्यूल। इसमें आप वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, कोई भी आपके पास केमिकल एनर्जी हो सकती है उसको आप मैकेनिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं बाई कम्बस्चन। इंजन में भी क्लासीफाइड इंटू ऑन डिफरेंट बेसिस। इसमें इग्निशन इंजन हो सकता है, फ्यूल यूज। इग्निशन इंजन में अब आपके पास एक्सटर्नल और इंटरनल कम्बस्चन इंजन हो सकते हैं। इसी तरह फ्यूल के ऊपर अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो फ्यूल के ऊपर पेट्रोल इंजन हो सकता है और डीजल इंजन हो सकता है। इसी तरह गैसोलीन इंजन भी हो सकता है जिसको आप गैस गैस इंजन सॉरी गैसोलीन कह रहा हूँ गैस। उसके बाद फिर स्ट्रोक के ऊपर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन हो सकता है। फ्यूल इग्निशन के ऊपर अगर हम देखें तो स्पार्क इग्निशन हो सकता है। स्पार्क इग्निशन जो है ये बेसिकली ये पेट्रोल इंजन है। और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन हो सकता है। ये कंप्रेशन इग्निशन जो है ये बेसिकली आपके पास है डीजल इंजन। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं इन चीज़ों को। ये अभी यानी कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, डीजल इंजन क्या है, गैस इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक क्या है, 4 स्ट्रोक क्या है, ये सारा हम देखेंगे इसमें। तो इंजन पार्ट्स आ जाते हैं। अब सबसे पहले इंजन पार्ट्स के अंदर आपके पास सबसे पहले जो दिया गया है वो आपके पास है पावर चेन। टू रिसीव एग्जर्ट एंड ट्रांसमिट पावर सच एज पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाइव। देन आपके पास स्टेशनरी पार्ट्स हैं इसके, इंजन के बहुत सारे, यानी कि वो पार्ट्स जो आपके पास यानी कि स्टैटिक हैं वो स्टेशनरी पार्ट्स हैं, यानी कि टू कंस्ट्रेंट्स एंड सपोर्ट्स मूविंग पार्ट्स सच एज सिलेंडर, सिलेंडर हेड एंड क्रैंक केस। उसके बाद एक्सिलरी पार्ट्स हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी पार्ट्स जिसके अंदर आपके पास फ्यूल, लुब्रिकेशन और उसकी सरफेस को कूल रखने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने की जरूरत है। फिर उसके पास उसकी चेसी है जिसको बॉडी बोलते हैं। देन उसके अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम है। उसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस पार्ट्स। इसी तरह देन अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, तो 3.3 आपके पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजन पार्ट्स। इसमें सबसे पहले सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक के बारे में बताया गया। सिलेंडर क्या है जो इसके अंदर यूज होता है। सिलेंडर के अंदर जो है वो पिस्टन होता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको देखेंगे तो कहता है कि आप बैर शेप कंपोनेंट प्रोवाइड स्पेस फॉर इग्निशन ऑफ फ्यूल एंड हाउस पिस्टन, ठीक है। और इसके बाद फिर कनेक्टिंग रॉड्स हैं इसके साथ। चलें हम इसको तरतीब से लेके चलते हैं। सिलेंडर के बाद नेक्स्ट आपके पास सिलेंडर हेड है। तो नियरली ऑल इंजन एंड पार्टिकुलरली वाटर कूल्ड इंजन हैव अ रिमूवेबल सिलेंडर हेड, यानी कि आप इसको यही समझ लेंगे सिलेंडर के ऊपर उसका जो कवर टाइप है वो उसको आप सिलेंडर हेड। उसके बाद फिर आपके पास क्रैंक केस एंड ऑयल पैन आ जाता है, यानी कि जिसके अंदर उसका ऑयल वगैरह जो, यानी कि उसके लिए लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। अब ऑयल और फ्यूल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्यूल जो है वो उसको अंदर बर्निंग के लिए यूज होता है और जो ऑयल है वो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। देन आपके पास पिस्टन आ जाते हैं। पिस्टन आप अगर, मैं ये कर्सर को मैं लेके जाता हूँ, आप यहाँ पे ये देखें तो ये आपके पास पिस्टन है। इसको मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हाईलाइट करते हुए ये PDF है। उसके बाद फिर आ जाता है पार्ट्स ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन के पार्ट्स में क्या है, उसके अंदर हेड है, पिस्टन क्राउन है, पिस्टन स्केट है, उसके बाद पिस्टन पिन बेसिस है। अब इसमें आप इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फिर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद देन पिस्टन रिंग्स हैं। इसमें 2 टाइप्स के रिंग्स होते हैं जो, यानी कि एक आपके पास कंप्रेशन रिंग्स हैं और दूसरे ऑयल रिंग्स हैं, यानी कि एक जो है उसने जिसने उसको कंप्रेस यानी कि कंप्रेशन तो यूज होना, दूसरा जो ऑयल रिंग है वो लुब्रिकेशन के लिए होता है। अब एट दी टॉप कौन सा होगा और एट दी बॉटम कौन सा होगा, ये अब आप खुद देखेंगे। ये
यानी कि कंप्रेशन रिंग ऊपर होगा या ऑयल रिंग ऊपर होगा। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पिस्टन पिन, और इसको आप रेस्ट पिन भी बोलते हैं। तो ये इसके बारे में ये सारा लिखा हुआ है इन्होंने, यानी कि पिस्टन विद अ स्मॉल कनेक्टिंग रॉड इज कॉल्ड पिस्टन पिन। ठीक है, एंड के ऊपर यानी कि वो पिस्टन, अगर आप इसमें फिगर में देखें तो ये पिस्टन के अंदर आपको ये एक सर्कल नजर आ रहा है, तो ये पिस्टन पिन का सर्कल बेसिकली वो शो कर रहा है। देन आपके पास आ जाएगा इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड्स है। कनेक्टिंग रॉड जो है ये अब आप कनेक्टिंग रॉड से आप क्या जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इज एन एलिमेंट दैट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के दरमियान जिससे आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। ये नीचे फिगर बनी हुई है, इसमें उसकी आई है, शैंक है, हेड है, कैप है। उसके बाद आपके पास क्रैंकशाफ्ट आ जाती है। क्रैंकशाफ्ट ये बेसिकली, अगर आपने इंजन, अगर मोटर बाइक का भी इंजन अगर आपने खुलवा के देखा, उसके अंदर आप ना आपको एक नजर आएगी एक जिगजैग सी शाफ्ट होती है जिसको हम क्रैंक बोलते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट है, हाई कार्बन स्टील की जो होनी, हाई कार्बन कंटेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, और सिलिकॉन वगैरह। ये इसके नीचे इस कंपोजिशन बताइए, लेकिन ये आपके याद करने वाली चीजें, आप इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख। ओके जी, देन आपके पास आ जाता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील ये हैवी व्हील है अटैच विद वन एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के साथ ये अटैच होता है, और यूजली रेफर्ड एज रियर एंड अदर एंड इज फ्रंट एज फ्रंट एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। उसके बाद अब फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है जब इंजन के अंदर फ्यूल ने बर्निंग होनी है, फ्यूल की। उसके बाद फिर आपके पास बर्निंग के बाद क्या होना है कि एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना है। तो अब जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है उसने आगे के कहीं ना कहीं पे स्टोर तो होना है, तो वो फ्लाई व्हील के अंदर जो है वो स्टोर। उसके बाद फिर आ जाता है आपके पास इंजन की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इसके अंदर टॉप डेड सेंटर है, बॉटम डेड सेंटर है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के दरमियान, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। इसी तरह फिर आपके पास यानी कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये बेसिकली क्या है, इसके अंडरस्टैंडिंग का ये समझे कि पिस्टन एक जगह से चला है, मैक्सिमम जहां पे गया है ऊपर की तरफ उसको आप टॉप डेड सेंटर कह लें, और फिर वो नीचे की तरफ आया जहां पे मैक्सिमम यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन है बेसिकली, तो इसको आप टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद फिर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कितना वो वॉल्यूम जो है वो स्वेप करेगा, डिस्प्लेस करेगा इन वन स्ट्रोक, एक एक दफा वो ऊपर जाके नीचे आएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब पिस्टन मूव करेगा तो उसको हम एक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम जो है ये स्पेस है बिटवीन द टॉप ऑफ पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड, यानी कि जब पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा और टॉप डेड सेंटर के दरमियान और सिलेंडर हेड के दरमियान में कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टेंस होगा, तो उसको आप क्लियरेंस वॉल्यूम बोल। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जब पिस्टन आया तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है वो, उसको आप ऐड कर लें प्लस उसके अंदर क्लियरेंस वॉल्यूम ऐड कर लें, तो आपके पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आ जाएगा। और कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, ये बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि टोटल सिलेंडर वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा। नीचे ये छोटा सा इसका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और ये बेसिकली ये चैप्टर इतना ही है। इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि आपने जो भी इंजन है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इंजन के बारे में हमने देखा कि ये टू स्ट्रोक हो सकता है, फोर स्ट्रोक हो सकता है। अब जनरली आपको बता देते हैं कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में फर्क क्या है। टू स्ट्रोक है कि वो अपना एक जो यानी कि साइकिल है कंप्लीट, वो दो स्ट्रोक्स के अंदर वो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो उसकी क्रैंकशाफ्ट है वो 360 मूव कर रही है, यानी कि उसमें जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा तो उस वक्त दो फेनोमेना हो रहे होंगे। बेसिकली इसके अंदर चार किस्म के फेनोमेना होते हैं, इनटेक, उसके बाद फिर आपके पास कंप्रेशन आती है, देन इसके बाद आपके पास आ जाता है यानी कि जब कंप्रेशन होगी देन बर्निंग होगी। उसके बाद जब बर्निंग होगी उस वक्त जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, देन उसके बाद एग्जास्ट होता है, यानी कि इनटेक और इनटेक स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, ये दो स्ट्रोक्स हैं इसके अंदर।
तो इसमें इस वक्त जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ पिस्टन मूव कर रहा होगा, उस वक्त कंप्रेशन हो रही होगी साथ, और ये हम इसको ना डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। इसी तरह जब बॉटम डेड सेंटर से जब ये कंप्रेशन हो रही है, उसी के साथ जो है वो एग्जॉस्ट भी हो रहा है। इसी तरह जो फोर स्ट्रोक है, फोर स्ट्रोक के अंदर जो है वो आपकी अलग अलग, यानी कि उसके अंदर जो क्रैंक शाफ्ट आपकी है वो 720, यानी कि उसके दो चक्कर लगेंगे। इनटेक अलग है, एग्जॉस्ट अलग है, पावर अलग है, और जो आपकी है कंप्रेशन वो अलग है। यानी कि सबसे पहले इनटेक होगी, इनटेक के बाद फिर कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन के बाद फिर आपकी पावर स्ट्रोक होगी, पावर स्ट्रोक के बाद फिर आपका एग्जॉस्ट होगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता है। यानी कि जो टू स्ट्रोक है उसमें एक स्ट्रोक के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो फोर स्ट्रोक है उसमें एक स्ट्रोक के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो अब इसमें हमने देखा था इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इंजन, जो आपके पास है पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन के अंदर बेसिकली जो है वो कंप्रेशन के थ्रू जो है वो पावर स्ट्रोक होती है। यानी कि फ्यूल जो है वो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, तो वो फ्यूल को यानी कि पेट्रोल को कंप्रेस करता है। जब कंप्रेशन होती है तो उसके साथ ही वहाँ पे इग्निशन हो जाती है उसकी, यानी कि कंप्रेशन के थ्रू वहाँ पे पावर स्ट्रोक होती है। आप इसको यूँ समझ लें कि पेट्रोल जो है वो आग पकड़ता है। तो अगर अब फ्यूल आपका अच्छी क्वालिटी का है तो वो एक खास लेवल पे जाके जो है ना उसकी कंप्रेशन के बाद उसकी जो है वो इग्निशन होगी। तो यानी कि उसको हम ऑक्टेन नंबर के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, जितना उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, बेसिकली ये कार्बन चेन है, तो ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा उतना फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा। तो अगर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसकी अर्ली जो है वो इग्निशन हो जाएगी, जिसकी वजह से अक्सर जो है ना वो इंजन के अंदर से नॉकिंग यानी कि टक की आवाज़ आती है, यानी कि कोई यानी कि आवाज़ आपको आ जाती है, जिसको यानी कि अगर फ्यूल आपका लो क्वालिटी का है, लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल है, तो वो अर्ली जो है ना वो बर्निंग हो जाती है। तो अर्ली बर्निंग की वजह से आपके पास नॉकिंग का फेनोमेना होता है, जो उसकी वजह से इंजन लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए वो हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है वो थोड़ा सा महंगा भी होता है। तो इसी तरह जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन के अंदर अब कंप्रेशन से इग्निशन नहीं होती, उसके अंदर जो है जो यानी कि जो पावर स्ट्रोक है बेसिकली, उसके अंदर जो डीजल इंजन है उसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर यूज होता है, तो उसके अंदर स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग के बाद जो है वो इग्निशन होती है। यानी कि अब डीजल इंजन और जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर एक स्पार्क प्लग का भी डिफरेंस है। स्पार्क प्लग जिस इंजन में यूज होगा वो कौन सा इंजन होगा? डीजल इंजन। इसमें अब चाहे फर्स्ट पेज के ऊपर ये लिखा भी हुआ है इंजन की जो टाइप्स हैं, इसके अंदर फ्यूल इग्निशन मेथड यानी कि स्पार्क, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके आऊँ, यानी कि जो स्पार्क इग्निशन है ये बेसिकली पेट्रोल इंजन है। ये मैं इसको थोड़ा सा यानी कि जो जिसके अंदर जो स्पार्क प्लग यूज हो रहा है वो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज हो रहा है, यानी कि वो जो कंप्रेशन मेथड है वो डीजल के अंदर यूज हो रहा है। डीजल के अंदर एयर फ्यूल रेशियो है, उसके बाद फिर कंप्रेशन के थ्रू जो है वो उसकी इग्निशन हो रही है। जबकि जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर एयर फ्यूल रेशियो नहीं है, उसके यानी कि जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क करता है, देन जो है वो पेट्रोल की जो है वो अग्निशन स्टार्ट होती है। यानी कि स्पार्क प्लग जो है वो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज होगा, और जो डीजल इंजन है उसके अंदर कंप्रेशन के थ्रू इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कि स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क इग्निशन किसके अंदर है? पेट्रोल इंजन के अंदर है, और जो कंप्रेशन इग्निशन है वो डीजल इंजन के अंदर है। तो ये इसका कोई एमसीक्यूज किस तरह का बन सकता है, यानी कि स्पार्क प्लग किस पर इंजन के अंदर यूज होता है, तो आपको पता होगा वो पेट्रोल, ये बाइक्स के अंदर वो अक्सर स्पार्क प्लग का लोगों को प्रॉब्लम आया होता है कि प्लग खराब हो गया इसका। इसी तरह जो डीजल इंजन है उसके अंदर ये स्पार्क प्लग वाला इशू नहीं होता। अब डीजल की क्वांटिटी जो है ना उसके लिए जो क्वालिटी है उसको हम मेजर करते हैं सिटेन नंबर से, और जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी को हम मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर। हाई ऑक्टेन नंबर होगा तो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, नॉकिंग नहीं होगी। तो ये एमसीक्यूज बनता होता है कि नॉकिंग फेनोमेना जो है वो कौन से किस तरह कंट्रोल किया जाता है, तो ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने से नॉकिंग फेनोमेना जो है वो कंट्रोल हो जाता है। देन इंजन पार्ट्स में हमने डिफरेंट इसके पार्ट्स देखे हैं। अब ये जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है ना, इसको हम डिटेल भी किसी ना किसी जगह पे आएगा, इसको हम देखेंगे, विस्तार भी देखेंगे, लेकिन हम क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही चैप्टर था, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, इससे चीज़ें जो है ना वो मिक्स भी हो जाएंगी।
आप इसको सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसी चीज को देखें। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, एसएमएस कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर आपके पता था, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो इसका चैप्टर नंबर 4 है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन आईसी, यानी कि इंटरनल कंबस्टन इंजन। इसके अंदर हम ये स्ट्रोक और ये एग्जॉस्ट ये सारा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी स्ट्रोक हो तो कौन सा वॉल्व ओपन होता है, ये सारा हम डिटेल के साथ इसके अंदर देखेंगे। कंप्रेशन रेशो क्या होती है, टू स्ट्रोक इंजन क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या है, यानी कि ये चीज़ें मिस नहीं होंगी अगर हम इसको एक तरफ से लेके चलेंगे। अगर हम तरतीब की बजाय सारा कुछ इकट्ठे करने लग जाएंगे तो ये चीज़ें फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हम कोशिश करेंगे कि हम 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है ये इंजन और ये जितना भी ये थर्मोडायनेमिक्स टाइप है इसको हम कवर कर लें। उसके बाद फिर हम एग्रीकल्चर मशीनरी जो कि इस बुक का सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो अगेन यही सभी से रिक्वेस्ट है कि सिलेक्टिव स्टडी ना करें, इसको अच्छे तरीके से देखें और प्रॉपर जो है वो देखने के बाद फिर एमसीक्यूज इसके यानी के साथ साथ इसकी चीज़ें हाईलाइट करते जाएं और एमसीक्यूज बनाएं। एमसीक्यूज बनाने के बाद फिर उनको आप जो है जो तो आपके पास मटेरियल है एमसीक्यूज के फॉर्म में है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर सॉल्व नहीं होगा तो दोबारा सॉल्व करें, बुक से देखें, इंटरनेट से देखें, डिफरेंट जगहों से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।